श्रीनगर अपना हरा भरा प्रदेश है और बहुत अच्छा कंट्री है, खूबसूरती के लिए जन्नत माना जाता है। उस हिसाब से यहाँ पर जैसे डीजल पेट्रोल का चल रहा है उससे पॉल्यूशन होता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आना यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, रहा बात इसका है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल निकलेगा, तो अभी देखो स्टार्टिंग है, ठीक है ना, स्टार्टिंग के बाद में अभी धीरे 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 करके हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। अभी श्रीनगर से स्टार्ट किया है, श्रीनगर से हम आगे चलेंगे तो हंडवारा तक जाएंगे, उधर आप अनंतनाग तक जाएंगे, उधर आपको जम्मू तक जाएंगे, तो ये धीरे धीरे करके हम पूरे श्रीनगर में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा और थैंक्स फॉर जे एंड के बैंक, उनका भी सपोर्ट मिलेगा फाइनेंस के लिए, तो हम इसको डीजल पेट्रोल से कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक में, अदर प्रोडक्ट से। अपना जो प्रोडक्ट है वो नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आया है। अभी तक जो ई रिक्शे चल रहे हैं वो चल रहे हैं लेड एसिड बैटरी पर, और हमारा जो फाइनेंस का सेगमेंट बिगड़ा है ना, वो केवल फ्यूल को लेके ही बिगड़ा है सर, ठीक है ना। जो फ्यूल है हमारा वो पर्टिकुलर प्रॉपर नहीं है, और लेड एसिड बैटरी पर इलेक्ट्रिक ऑटो इंडस्ट्रीज का कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसलिए हमने इसको स्टार्टिंग से ही लिथियम बैटरी पर किया है। लिथियम बैटरी का पहला नंबर वारंटी ज्यादा होता है, इसका चार्जिंग टाइम कम होता है, लाइफ लॉन्ग होता है और लाइट वेट होता है, तो और प्रोडक्ट से बेटर है हमारा प्रोडक्ट। इन्होंने हमें इनवाइट किया और हमने एक्सेप्ट किया, और हम इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरा पैशन है, मेरा शौक है कि हर एक को यहाँ पे जो है रोजगार मिले, और जिस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट उसकी यहाँ पे 1000 से ज़्यादा ई रिक्शा इस वक्त चल रहा है, दैट मीन्स ये दिन ब दिन ग्रो कर रहा है क्योंकि इसमें पोल्यूशन नहीं है और इसमें जो रेट है, जो किराया इसका है वो फीजिबल है, इसलिए हमने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया इनके साथ, और हम इनका इस चीज़ पे सपोर्ट करते हैं कि अगर यहाँ पे रोज़गार जनरेट हो तो हम इसका इसके लिए हम इनके साथ मदद करने के लिए तैयार हैं कि हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार, मैंने ये भी सुना कि ई रिक्शा पे PhD स्टूडेंट जो है उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, ये चला क्योंकि इसका जो है कोई खर्चा नहीं है, ये सारा बिजली पे चार्ज करके ये चला दे, दिन को अगर इनको 1000 रुपया मिल जाएगा वो अपनी बचत है इनको, तो इसलिए ये चीज़ फिलहाल के तौर पर अच्छा है। फिर इनका मार्केट का जो मामला है, ये कैसा अपना मार्केट, मतलब इनको रेट रीजनेबल रखनी है, इनको ये इनके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रखने हैं, इनको इसमें चीज़ जो है ये ड्यूरेबल रखनी है, तो फिर अच्छा, मतलब इस तरह से जब से 1 साल हो गया है ठीक रहेगा मार्केट इनका। थैंक यू।